Hello everyone, I welcome you all. Now in the today's discussion, we shall be addressing one of the heads of income, and that is the income from house property. ये एक बहुत ही simple, छोटा सा और jackpot chapter है मेरे हिसाब से, exam के लिए अच्छा scoring chapter है. साथ ही साथ important ये है कि यहाँ पर जो questions आते हैं वो 8 से 10 mark की range के भी आते हैं. मेरा यही सजेशन है कि आपके पास जो भी नोट्स हैं आप उनको रेफर कर सकते हैं. मेरे नोट्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. यू विल बी एबल टू रिवाइज इट एंड मोर प्रोमिनेंटली. दो तीन बार जब इसको आप देख लें तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ आप इसको बोलें ताकि आपको चीज़ें याद रहे. नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम टैक्स एक्ट में ये चैप्टर चालू होता है फ्रॉम सेक्शन 22 एंड इट एंड्स ऑन सेक्शन 27. अब वैसे ये चैप्टर में 6-7 सेक्शन हैं, बट काम के दो तीन ही सेक्शन हैं. सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन 23 और 24 में कंप्यूटेशन है. सेक्शन 27 में डीम्ड चार्ज है. और सेक्शन 25A वगैरह काम आते हैं इन अ वेरी रेयर सिचुएशन. तो ब्रॉडली ये सेक्शंस अपने काम के हैं. नाउ चार्जिंग सेक्शन, किसी भी हेड ऑफ इनकम में वैसे दो चीज़ें होती है. एक होता है चार्ज कि इस हेड में टैक्स कब लगेगा, और कंप्यूटेशन अगर इस हेड में टैक्स लगेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा. तो चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो हमें तीन चीज़ें बतलाता है. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा. कंडीशन नंबर वन इज देयर इज अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू. कंडीशन नंबर टू इज इट इज ओन्ड बाय द असेसी. एंड कंडीशन नंबर थ्री इज इट इज नॉट यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, देयर इज अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, ओन्ड बाय द असेसी एंड नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी, तो इस प्रॉपर्टी से होने वाली एनुअल वैल्यू असेसी के हाथ में टैक्सेबल होती है. इनफैक्ट सेक्शन 22 की वर्डिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ओन्ड बाय द असेसी एंड नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी शैल बी चार्जेबल अंडर दिस चैप्टर. अब यहां पर तीनों कंडीशन में थोड़ी थोड़ी बातें हैं. कंडीशन नंबर वन इज देयर शुड बी अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू. जनरल मिसकंसेप्शन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड मतलब मकान का किराया, जबकि ऐसा नहीं है. इनफैक्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में बिल्डिंग की रेंटल वैल्यू को टैक्स किया जाता है. एंड दिस बिल्डिंग कैन बी अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इट कैन बी कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, वेयर हाउस, गोडाउन, फैक्ट्री या फिर घर, किसी भी बिल्डिंग का किराया इस हेड में आता है. बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात आती है. लेटेबल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी गई है, हमें उसे कॉमन सेंस में समझने की जरूरत है. और कॉमन सेंस में रिलेटिवली कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है तो वो बिल्डिंग रिगार्ड किया जाता है, दैट इज कॉमन सेंस. बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, तो बिल्डिंग या बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जमीन भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आती है. तो सिर्फ बिल्डिंग का किराया भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा, या फिर बिल्डिंग और बिल्डिंग से जुड़ी हुई जमीन, जैसे मकान और उसके नीचे की जमीन या मकान और उससे लगा हुआ पार्किंग एरिया वगैरह, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाएगा. उसकी भी रेंटल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी. मकान के साथ अगर जमीन भी जुड़ी हुई है तो अपर्टेनेंट है. इंडिपेंडेंट अगर कोई जमीन है जो इंडिपेंडेंट यूज किया जा सकता है, कि हमारा एक मकान है उसके पास हमारा खेत है और वो अलग से यूज किया जा सकता है, या मकान के पास अलग से हमारा कोई लैंड है जिसका इंडिपेंडेंट यूज है, तो फिर वो अपर्टेनेंट टू दी बिल्डिंग नहीं होगी. दूसरी चीज, बिल्डिंग की रेंटल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में आती है. यह बिल्डिंग इंडिया में लोकेटेड हो या अब्रॉड, हाउस प्रॉपर्टी हेड इज अट्रैक्टेड इवन इफ द बिल्डिंग इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. कई बार क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि ये मकान इंडिया के बाहर है, तो बाहर भी है इंडिया के तो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट होता है. और चौथी और आखिरी चीज है दैट अगर छत के ऊपर छत का रूफ अगर किराए पर दिया गया है फॉर पुटिंग होर्डिंग्स, तो उस होर्डिंग्स की किराए की इनकम
हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, इट मे बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इट मे बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये इनफैक्ट इसके ऊपर एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, उसके ऊपर ये बात बेस्ड है कि अगर छत किराए पर दी है फॉर पुटिंग होर्डिंग्स, तो ऐसी परिस्थिति में द रेंटल वैल्यू इज ईदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। पहली कंडीशन दैट देयर शुड बी अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। दूसरी कंडीशन, दिस बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू शुड बी ओन्ड बाय द एसईसी। ओनरशिप की हम बात करते हैं तो जब भी इनकम टैक्स में बात करते हैं, ओनरशिप का मतलब होता है बेनिफिशियल ओनरशिप। इनफैक्ट शायद आपको पता होगा ओनरशिप दो प्रकार की होती है, एक होती है लीगल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप तब होती है जब प्रॉपर्टी का टाइटल हमारे नाम पर है, रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स में हमारे नाम पर वो प्रॉपर्टी है। जबकि बेनिफिशियल ओनरशिप तब होती है जब हमारे पास राइट्स ऑफ ओनरशिप है, मकान के मालिक के जैसे हमारे पास राइट्स हैं, वी कैन सेल डिस्कार्ड डिस्पोज ऑफ डिमोलिश द प्रॉपर्टी, तो वी कैन मॉर्गेज इट, व्हाटएवर ओनर के जो राइट्स हैं अगर वो हमारे पास है तो हम बेनिफिशियल ओनर हैं। जनरली लीगल ओनर के पास ही बेनिफिशियल ओनरशिप होती है, पर कई बार अलग अलग भी हो सकता है कि लीगल ओनर कोई और है बेनिफिशियल ओनर कोई और है। इनकम टैक्स हमेशा रिकॉग्नाइज करता है बेनिफिशियल ओनरशिप को, रियल इनकम थ्योरी है हमारी और उसके आधार पर हम हमेशा बेनिफिशियल ओनर को ही ओनर मानते हैं। तो यहाँ भी ओनर मतलब बेनिफिशियल ओनर। अगर मेरे ओनरशिप में बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू है तो उसकी रेंटल वैल्यू मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। यहाँ पर एक डीम्ड ओनरशिप का भी कंसेप्ट है सेक्शन 27 में, और एज पर दिस सेक्शन इन केसेस में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ओनर मान लिया जाएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट आता है, 6 पॉइंट्स हैं, 6 स्पेसिफिक केसेस दिए गए हैं, इन केसेस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट लगता है। पहला पॉइंट है असेट इज ट्रांसफर्ड, असेट मतलब अपना अंडरलाइंग असेट है बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, सो द असेट इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को मकान दुकान ऑफिस गोडाउन एक्सेट्रा ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफरर हैं उन्हें डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो से हस्बैंड ने वाइफ को अगर मकान ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो हस्बैंड को ही ओनर माना जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी हेड हस्बैंड के हाथ में अट्रैक्ट होगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट मैरिड माइनर डॉटर, तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो जैसे फादर ने कोई प्रॉपर्टी कोई मकान अपनी डॉटर को या सन को ट्रांसफर किया हु इज माइनर, तो ऐसी परिस्थिति में फादर को ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। मैरिड माइनर डॉटर के केस में सिचुएशन अलग है, वहां पर डॉटर को ही ओनर माना जाएगा, अदरवाइज पेरेंट को डीम्ड ओनर मानने की बात है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट आता है होल्डर ऑफ इम्पार्टिएबल स्टेट, तो अगर कोई इनहेरिटेड इम्पार्टिएबल स्टेट है, अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है दैट इज इम्पार्टिएबल स्टेट, तो उसका जो भी होल्डर है जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा, ही विल बी द पर्सन हु विल बी डीम्ड टू बी द ओनर। चौथा पॉइंट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी में मेंबरशिप के कारण, आपने सोसाइटी या कंपनी में मेंबरशिप ली और सोसाइटी या कंपनी में मेंबरशिप के कारण आपको राइट टू यूज राइट टू एंजॉय द इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला, तो आपने कोई सोसाइटी के शेयर्स खरीदे, उन शेयर्स को खरीदने के कारण आपको उस सोसाइटी में एक मकान अलॉट हो गया और वो मकान अब आप यूज कर सकते हैं, आपकी ओनरशिप शेयर्स की है, पर इनकम टैक्स मानता है कि आप उस मकान के भी ओनर हैं और आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा। अगला केस आता है पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये बात आती है सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। अगर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कंडीशंस फुलफिल होती है, जो तीन कंडीशंस है, कंडीशन नंबर वन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर, सेकेंडली अंडर दिस एग्रीमेंट द सेलर हैज गिवन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर, एंड द थर्ड कंडीशन इज द बायर हैज पेड और इज विलिंग टू पे द कंसिडरेशन और द पार्ट कंसिडरेशन। बेसिकली इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजेक्शन कहते हैं, कि सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी बेचने का सौदा कर लिया, बायर से पैसे कुछ ले लिए और बायर को पोजेशन भी दे दिया। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में बायर भले ही रजिस्टर्ड ओनर नहीं हुआ है अभी तक, बायर के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई है, पर बायर को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। और अगला और आखिरी केस आता है लीज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर लेस देन 12 मंथ्स,
फॉर लेस देन 12 इयर्स। तो अगर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जहां पर अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में लेसी को, किराएदार को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। डोंट जनरलाइज इट कि पूरे दुनिया में ऐसे ही हो जाएगा, पूरे लॉ में ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज ओनली फॉर इनकम टैक्स एंड दैट टू ओनली फॉर द चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी कि इन लोगों को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, अपन अगली बात करते हैं। पहली कंडीशन है दैट देयर शुड बी अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। दूसरी कंडीशन है इट शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी। और तीसरी कंडीशन है इट शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी। अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, तो ऐसी परिस्थिति में हाउस प्रॉपर्टी हेड इज नॉट अट्रैक्टेड। इफ द प्रॉपर्टी इज यूज बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन, देन द हाउस प्रॉपर्टी हेड इज नॉट अट्रैक्टेड। इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, देन हाउस प्रॉपर्टी हेड इज अट्रैक्टेड। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि यूज तो नॉट हाउस प्रॉपर्टी, नॉट यूज तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड इज अट्रैक्टेड। अब कब हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, कब हम कहेंगे प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसका टेस्ट जो है वो है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। अगर प्रॉपर्टी का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी इज यूज फॉर द पर्पजेज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और अगर प्रॉपर्टी का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा रहा है तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर द पर्पजेज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है और क्या नहीं होता है उसको लेकर काफी सारा डिस्कशन है, मैं आपको बतलाता हूँ, समराइज करने की कोशिश करता हूँ। और मैं इन प्रिंसिपल ये कहूंगा कि अगर किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी है, दैट इज बिल्डिंग है, दैट इज रेसिडेंस या फैक्ट्री, गोडाउन, ऑफिस, वेयर हाउस, शॉप, कुछ भी है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी लेटेबल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है। जनरली हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है, पर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा तो किसी और हेड में लगेगा। ऐसे कुछ केसेस जहां पर मकान के, दुकान के किराए की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वहां पर किसी और हेड में टैक्सेबल होगी। और ये 6 केसेस मैंने यहां पर समराइज कर दिए हैं। पहला केस, इन द केस एनी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस आर लेट आउट बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर ने अगर अपने एम्प्लॉयज को कोई मकान वगैरह, सर्वेंट क्वार्टर वगैरह रहने को दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एम्प्लॉयर अगर उनसे कुछ नॉमिनल किराया ले रहा है तो एम्प्लॉयर के हाथ में ये किराए की इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके बहुत बड़े एरिया में फैक्ट्री होती है, वहीं पर एम्प्लॉयज को रहने की भी कुछ अरेंजमेंट किया जाता है, वो एम्प्लॉय क्वार्टर्स का एक नॉमिनल किराया भी एम्प्लॉय से लिया जा रहा है, वो किराए की इनकम कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो पहला ये केस है। दूसरा केस है सबलेटिंग। अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी सबलेट की है, ठीक है, उसने किराए पर लेकर किराए पर दी है, तो ही इज नॉट द ओनर। सबलेटिंग के केस में रेंटल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं है, इट में भी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, और इट में भी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, एटलीस्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं। फिर अगला केस आता है, ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस अब चालू होते हैं। अगला केस आता है टेम्पररी लेट आउट। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का टेम्पररी लेट आउट करता है, लॉन्ग रन में उसका इंटेंशन है खुद बिजनेस करने का, पर शॉर्ट रन में उसने प्रॉपर्टी को टेम्पररीली लेट आउट किया है, तो टेम्पररी लेट आउट की जो इनकम है वो लेट आउट की इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मैंने एक होटल टेम्पररीली लेट आउट कर दी हॉस्पिटल को, क्योंकि होटल तो अपनी बंद हो गई अभी, ठीक है, COVID-19 में, तो अपनी होटल बंद हो गई, तो अपन ने होटल हॉस्पिटल को लेट आउट कर दी टेम्पररी। लॉन्ग रन में तो हमारा इंटेंशन है हम इसमें होटल ही चलाएंगे, पर शॉर्ट रन में हमने इस होटल को लेट आउट कर दिया, तो ये जो लेट आउट वाली इनकम है, रेंटल इनकम है, दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, दैट वुड नॉट बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर अगला केस आता है वेयर देयर इज अ कॉम्पोजिट लेट आउट। जैसे हमने फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट किराए पर दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट किराए पर दिया, पर हमारा प्रीडोमिनेंट इंटेंशन प्लांट किराए पर देना था। हमारा एक प्लांट है, वो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस प्लांट के साथ शेड लगा हुआ है,
तो वो जो शेड है इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लांट, मेन वैल्यू जो है मेन असेट जो है वो प्लांट है, तो हमने एक असेट किराए पर दिया, साथ में बिल्डिंग भी किराए पर दे दी इंसिडेंटली। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जो रेंटल इनकम है बिल्डिंग की एज वेल एज प्लांट की, वो सारी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, इट इज इनकम फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारा मेन इंटेंशन, प्री डोमिनेंट इंटेंशन क्या है। प्री डोमिनेंट इंटेंशन अगर हमारा अदर असेट किराए पर देने का है तो हमारी रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। फिर अगली चीज आती है वेयर लेटिंग आउट इज सबसर्वियंट, लेटिंग आउट इज ओनली सबॉर्डिनेट, मेन इंटेंशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड लेटिंग आउट इज सबसर्वियंट। जैसे हमने बैंक्वेट हॉल किराए पर दिया कुछ फंक्शन के लिए, साथ में वहां पर फूड भी दे रहे हम और इलेक्ट्रिसिटी वाटर पार्किंग बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं हम, केटरिंग सर्विसेज पूरी दे रहे हैं। अब हमने वहां पर पूरी फैसिलिटी दी, साथ में वहां पे बैंक्वेट हॉल भी किराए पर दे दिया उनको, तो हमारा मेन इंटेंशन हॉल किराए पर नहीं देना था, मेन इंटेंशन था हमको एक सर्विस देनी है उनको, शादी पार्टी फंक्शन के लिए एक सर्विस देनी है। तो साथ में क्योंकि हमने बैंक्वेट हॉल भी किराए पर दे दिया तो रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। वेयर लेटिंग आउट इज ओनली सबसर्वियंट, द प्रीडोमिनेंट इंटेंशन इज टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। जैसे यहाँ पर हॉस्टल का एक एग्जांपल लिया है मैंने, होटल का कमरा किराए पर देने की बात है तो रेंटल वैल्यू इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस प्रोफेशन इन सभी केसेस में। बैंक्वेट हॉल का एग्जांपल मैंने अभी लिया आपके सामने। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि रेंटल वैल्यू जो है वो बिजनेस हेड या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी बिकॉज इट इज आउट ऑफ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जैसे एक पॉइंट ये दिया है रेंट इन फॉरेन करेंसी, अगर हमको फॉरेन करेंसी में रेंट होता है तो उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसका करेंसी कन्वर्जन रेट रहेगा टेलीग्राफिक ट्रांसफर टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर टीटी बाइंग रेट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो साल भर का जो रेंट है उसको साल के आखिरी दिन का जो टीटी बाइंग रेट है उस पर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आएगा अगर उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो दे विल गिव कि 31 मार्च का टीटी बाइंग रेट ये है, उस पर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। फिर एक ये है कि इन द केस ऑफ अ बिल्डर, एक बिल्डर है उसने बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग उसका स्टॉक इन ट्रेड है। मान लो कोई बिल्डर है उसने एक बड़ा सा अपार्टमेंट बनाया उसमें 100 फ्लैट्स बनाए, अब ये जो 100 फ्लैट्स बनाए उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अगर ये फ्लैट नहीं बिकते हैं तो ये बिल्डर के पास पड़े रहेंगे एज अ स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डर इसको किराए पर दे या नहीं दे, बिल्डर के पास ये स्टॉक इन ट्रेड के रूप में पड़े हुए हैं। बिल्डर इसको किराए पर दे या नहीं दे, बिल्डर को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा। आप सबको पता होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड इज अ नोशनल इनकम, कंप्यूटेशन के एंगल से नोशनल इनकम टैक्सेबल होती है, आगे मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटेशन की। तो यहां पर इवन आपने किराए पर नहीं दिया तो भी नोशनल इनकम टैक्सेबल होगी। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि बिल्डर ने मकान बनाया, 100 फ्लैट्स बनाए उसमें से 20 फ्लैट बिके इस साल, 80 फ्लैट पड़े हैं, तो क्या उसे 80 फ्लैट की नोशनल रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा क्या? और वो टैक्स तो बहुत अनरीजनेबल हो जाता। तो सरकार ने क्या किया कि उन्हें एक एग्जम्पशन दिया है, एक हम कह सकते हैं मॉरेटोरियम पीरियड दिया है, गेस्टेशन पीरियड दिया है कि आपने ये फ्लैट बनाए इसको एक काम करो 2 साल में बेच दो, अगर 2 साल में भी नहीं बिके तो फिर तीसरे साल से हम आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लेंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ दिस प्रोविजन। तो यहां पर ऐसा दिया है कि इन द केस द असेट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है मतलब आप बिल्डर हो आपने मकान बनाया स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड के केस में उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो 2 साल तक निल ली जाएगी, शुरू के 2 सालों तक जिस साल बनाया उसके बाद, मतलब लैंग्वेज ये है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेंड। तो जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हुई, जब आपका वो मकान कंप्लीट हुआ, उस ईयर के एंड से 2 साल तक आपको उस मकान की जो एनुअल वैल्यू है वो निल ली जाएगी, अगर आपने उसको किराए पर नहीं दिया है तो। अगर सच में किराए पर दिया है फिर तो टैक्स दे ही दो, पर अगर आपने सच में किराए पर नहीं दिया है तो 2 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू मिल ली जाएगी, नोशनल वैल्यू पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, और तीसरे साल से फिर आपको डेफिनेटली इसके ऊपर टैक्स लगने लग जाएगा। अगर 2 साल में बिक गया तो कोई बात नहीं, तीसरे साल अगर 2 साल में नहीं बिका तो फिर तीसरे साल से आप उसकी नोशनल वैल्यू पर टैक्स दे देना। तो यहाँ 2 साल का एग्जम्पशन है इनिशियली अगर आपका मकान नहीं बिकता है,
तो आपको ये एग्जम्पशन अवेल कर सकते हो, बिल्डर्स के केस में ये एग्जम्पशन है। तीसरा पॉइंट आता है कॉम्पोजिट रेंट। अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी के साथ कुछ और फैसिलिटीज दी हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, गैस, वाटर, और उनका पैसा हम अलग से ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, पैसा अलग से लो या पैसा अलग से ना लो, कॉम्पोजिट लो, मतलब हमने 20,000 रुपये में मकान किराए पे दे दिया, साथ में इलेक्ट्रिसिटी वाटर फ्री, तो व्हाट इज द पॉइंट इज कि हम कॉम्पोजिट रेंट ले रहे हैं, किराया अलग से नहीं ले रहे हैं। अगर हम किराया अलग से ले रहे हैं या किराया अलग से नहीं ले रहे, फैसिलिटीज का रेंट अलग से नहीं ले रहे, तो भी हमको रेंट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, और जो हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो फैसिलिटीज से संबंधित रेंट है वो अदर सोर्सेज या बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा। एस डी केस में भी देयर में भी अनदर सिचुएशन जहां पर हमने हाउस प्रॉपर्टी के साथ कुछ असेट किराए पर दिए हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर किराए पर दिया है, ऐसी परिस्थिति में अगर रेंट सेपरेबल है, मतलब मकान का किराया अलग है, फर्नीचर का किराया अलग है, तो किराया अगर सेग्रीगेट हो सकता है तो मकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, अदर एसेट्स का किराया जो है वो बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेज में चला जाएगा। पर अगर ये किराया सेग्रीगेट नहीं हो सकता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रीडोमिनेंटली हमने क्या किराए पर दिया है। प्रीडोमिनेंटली अगर हमने अदर एसेट किराए पर दिया है तो सारा किराया बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेज में जाएगा। प्रीडोमिनेंटली अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दिया है तो सारा किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। यही बात अपन ने कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन के समय भी बात की कि प्रीडोमिनेंट इंटेंशन हमको देखने की बात आती है। अब हाउस प्रॉपर्टी हेड तो अट्रैक्ट हो गया इफ देयर इज अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ओन्ड बाय द एसएससी एंड नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट हो गया। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हाउ द एनुअल वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। हर हाउस की हमको एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी या हर यूनिट की हमको एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए देयर इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म गिवन अंडर सेक्शन 23 एज वेल एज सेक्शन 24। सबसे पहले हम निकालते हैं एक चीज जिसे कहा जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम एक डिडक्शन माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स का, और वो माइनस करके फिर आता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से हम सेक्शन 24 के डिडक्शंस माइनस करते हैं। सेक्शन 24 में दो डिडक्शंस हैं, एक है दी डिडक्शन फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बाकी खर्चों के लिए डिडक्शन है, अलग से कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं है, तो 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, और दूसरा इंटरेस्ट का डिडक्शन माइनस करते हैं, और ये करके फिर फाइनली हमारी एनुअल वैल्यू आती है। ऐसा ब्रॉडर सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इनफैक्ट क्या होता है कि यहाँ पर रेंट टैक्सेबल नहीं है, मजे की बात यह है कि यहाँ पर एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है, और एनुअल वैल्यू इज अ नोशनल वैल्यू। इनफैक्ट लॉ मेकर्स ने क्या किया कि आपका रियल रेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट जो आप कमा सकते थे, उनमें से जो ज्यादा है उसके ऊपर आप टैक्स दे दो। आपका कई बार ये कहना होगा कि साहब मैंने तो मकान ही किराए पर नहीं दिया, तो भी आपको एक नोशनल वैल्यू पर टैक्स देने की बात आती है, या किराए पर दिया मेरे को तो कम किराया मिलता है, तो भी आपको नोशनल वैल्यू पे टैक्स देने की बात आती है। तो लॉ मेकर्स हैव टैक्स द नोशनल इनकम। वैसे तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम, हाउएवर इन दिस क्लॉज दे हैव टैक्स्ड द नोशनल इनकम। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे चैप्टर की। अब यहां पे मैंने क्या किया है कि पूरे मैकेनिज्म को 7-स्टेप मेथडोलॉजी में डिवाइड कर दिया है। वो 7 स्टेप बहुत ही सिंपल और बहुत शॉर्टकट है जिसके जरिए आप एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड आई बिलीव कि कई बार आप दूसरी बुक्स देखेंगे या हो सकता है क्लासरूम में जहां भी आपने पढ़ा तो दूसरे तरीके से, कोई दूसरे मैकेनिज्म से आपने उसको सॉल्व किया हो, बट आंसर आपका सेम आएगा। और लॉजिक बीइंग की मैथमेटिक्स से ये एक ही चीज को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो आई एम डूइंग इट बाय वन ऑफ दी वेज जो मुझे बहुत सिंपल और शॉर्ट लगता है, उसके जरिए ये 7-स्टेप मेथडोलॉजी से मैं एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी आपको बता दूं। तो सबसे पहली स्टेप आती है कैलकुलेट द रीजनेबल रेंट। आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसका रीजनेबल रेंट निकालिए। रीजनेबल रेंट को कई बार एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहा जाता है। तो कैलकुलेट द एनुअल लेटिंग वैल्यू, कैलकुलेट द रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, फेयर मार्केट रेंट मतलब बाजार में इस प्रॉपर्टी से कितना रेंट मिल सकता है आपको, फेयर मार्केट रेंट। दूसरा है म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसकी क्या वैल्यू निकाली है, लेटेबल वैल्यू, तो वो दूसरा फिगर है।
इन दोनों में से विचेवर इज हायर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वैल्यू, इसकी रेंटल वैल्यू कितनी है वो, और फेयर मार्केट रेंट, बाजार का रेंट, विच एवर इज हायर। एग्जाम में रेडीमेड ये फिगर्स आएंगे। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर, यह फिगर, और स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। कुछ शहरों में रेंट कंट्रोल एक्ट होती है जहां पर मैक्सिमम रेंट की लिमिट दी गई है, मकान मालिक अपने किराएदार से मैक्सिमम इतना ही किराया ले सकता है, ऐसी लिमिट दी गई है। तो वह है स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, ये भी एग्जाम में दिया जाएगा। तो अपने को क्या करना है, फेयर मार्केट रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, दिस फिगर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट, या मैं कहूं कि फेयर मार्केट रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, एंड दिस फिगर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, ये सब करके आपका रीजनेबल रेंट निकल जाएगा, और कोई मगजमारी नहीं है। एंड द बेसिक प्रिंसिपल इज जनरली रीजनेबल रेंट इज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। हावेवर अगर इसी साल मकान खरीदा है या इसी साल मकान आपने बेच दिया है तो जितने दिन ओनरशिप है उतने दिन का ये निकाला जाएगा। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में दी रीजनेबल रेंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। पर अगर इस साल मकान खरीदा है तो जितने दिन आपकी ओनरशिप थी उतने दिन का ये निकाला जाएगा, और या अगर आपने इस साल मकान बेच दिया तो जितने दिन ओनरशिप थी उतने दिन का ये फिगर निकाला जाएगा। तो पहला स्टेप तो हो गया स्टेप वन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द रीजनेबल रेंट। अब हम आते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू इज कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। वैसे तो कोई कह सकता है बहुत सिंपल बात कि एक्चुअल रेंट मतलब एक्चुअल रेंट, जितना किराया मिला अपने को, पर वैसा नहीं है। देयर हैज टू बी टेक्निकलिटीज। एक्चुअल रेंट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द पीरियड द प्रॉपर्टी वॉज अवेलेबल फॉर लेट आउट एज रिड्यूस्ड बाय अनरियलाइज्ड रेंट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो एक्चुअल रेंट हमको निकालना है, एक्चुअल रेंट निकालने के लिए मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। इट इज द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो आपने मकान किराए पे दिया, किराया मिला या नहीं मिला, आपको टैक्स लगने की बात आती है, एक्चुअल रेंट निकालने की बात आती है। इनफैक्ट आपने मकान किराए पर नहीं भी दिया तो भी एक्चुअल रेंट निकालने की बात आती है, वो इसलिए क्योंकि वर्डिंग्स है फॉर द पीरियड द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट। सो अवेलेबल फॉर लेट आउट का मतलब हमारा किराए पर देने का इंटेंशन है, भले ही हमने उसको किराए पर नहीं दिया तो भी उस समय का हम एक्चुअल रेंट निकालेंगे। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा उसको सिंपलीफाइड वे में बताऊंगा अभी। बाकी बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक्चुअल रेंट इज कैलकुलेटेड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। आपको किराया नहीं भी मिला तो भी आपको टैक्स देना है अक्रूअल बेसिस पे, और आपने मकान किराए पर नहीं भी दिया तो भी आपको एक्चुअल रेंट उस समय का निकालना है बिकॉज ऑफ द वर्डिंग्स फॉर द पीरियड द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट। तो आपने किराए पर दिया तो एक्चुअल रेंट निकालोगे उस समय का, किराए पर नहीं दिया पर किराए पर देना चाहते हो तो भी एक्चुअल रेंट निकालोगे। जैसे हम लोग जिसको साधारण भाषा में कहते हैं प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो वेकेंट है तो उस समय का भी एक्चुअल रेंट निकालोगे क्योंकि आप किराए पर तो देना चाहते हो, तो इसलिए एक्चुअल रेंट उस समय का भी निकाला जाएगा। पर बैड डेट्स अनरियलाइज्ड रेंट जरूर से माइनस किया जाएगा। बैड डेट्स का डिडक्शन, अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब सेक्शन 23 की चार कंडीशंस फुलफिल होती है। देयर इज अ बोना फाइड एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी। सेकंड कंडीशन इज बिकॉज द टेनेंट हैज नॉट गिवन द रेंट, यू हैव डन एफर्ट्स टू गेट द प्रॉपर्टी वेकेटेड। आपने मकान खाली करा लिया या कराने की कोशिश कर ली, यू हैव डन एफर्ट्स टू रिकवर दैट रेंट, जो अनरियलाइज्ड रेंट है उसको रिकवर करने की कोशिश कर ली, एंड यू हैव नॉट लेट आउट एनी अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू यू टू दैट पर्सन। तो आपने अपनी कोई और मकान भी उसको किराए पर नहीं दिया। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, बोनाफाइड एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी, दी प्रॉपर्टी हैज बीन वेकेटेड और एफर्ट्स हैव बीन डन टू गेट इट वेकेटेड, लीगल एफर्ट्स हैव बीन डन टू अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज, और यू हैव सेटिस्फाइड द एओ ऑल्सो, राइट, अदरवाइज आपने एओ को सेटिस्फाई कर दिया कि सर एफर्ट्स करने से कोई मतलब नहीं हो तो नहीं देगा पैसा। और चौथी और आखिरी कंडीशन है, यू हैव नॉट गिवन एनी अदर प्रॉपर्टी टू हिम ऑन रेंट। इफ ऑल दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। एग्जाम में अगर अनरियलाइज्ड रेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये कंडीशंस फुलफिल होती है, नहीं तो आंसर में आप एक वर्किंग नोट लिख दीजिएगा, इट इज अज्यूम दैट ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, चारों कंडीशन लिख दीजिएगा। अब मेरा ये कहना है कि जनरली द एक्चुअल रेंट इज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। हाउएवर तीन ऐसे केसेस हैं जहां एक्चुअल रेंट फुल ईयर का नहीं लिया जाता है।
पहला केस है इसी साल प्रॉपर्टी खरीदी, अगर इसी साल खरीदी है तो जितने दिन ओनरशिप है उतने दिन का ही एक्चुअल रेंट लिया जाएगा, इस साल प्रॉपर्टी बेच दी, इस साल बेच दी तो जितने दिन ओनरशिप है उतने दिन का ही एक्चुअल रेंट लिया जाएगा, और तीसरा केस इफ द प्रॉपर्टी वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर और फॉर द फुल ईयर, तो ऐसी परिस्थिति में यू हैव नो इंटेंशन टू लेट इट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड से मेरा ये मतलब है कि प्रॉपर्टी आप किराए पर नहीं देना चाहते थे, आप खुद रहते थे या वो मकान खाली पड़ा था पर आपका इंटेंशन किराए पर देने का नहीं था। ठीक है, ये मैं अपने स्टाइल में बता रहा हूँ उस चीज़ को कि उसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप रहते हो, तो किसी ने पूछा कि आप नहीं रहते हो आपका भाई रहता है तो क्या, ठीक है वो सब चीज़ें मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि उस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं, आपके परिवार का कोई रहता है, आपका दोस्त रहता है, कोई भी रहता है, आपका इंटेंशन उसको किराए पर देने का नहीं है। खाली भी पड़ा है तो भी आपका इंटेंशन उसको किराए पर देने का नहीं है, वो होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो देर इज नो इंटेंशन टू लेट इट आउट, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर लेट आउट, एंड बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल फॉर लेट आउट हम उसमें एक्चुअल रेंट उतने समय का नहीं निकालेंगे। यहां पर देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक स्टेप थ्री भी बता देता हूँ, फिर मैं आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो एक फंडामेंटल डिस्कशन है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का। स्टेप थ्री तो बहुत सिंपल है, स्टेप थ्री इज स्टेप वन दैट इज रीजनेबल रेंट और स्टेप टू दैट इज एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो आपको एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट दो फिगर्स हैं, इनमें से जो भी ज्यादा है उस पर आपको टैक्स देना है। तो आपने जितना किराया कमाया या जितना कमा सकते थे दोनों में से जो ज्यादा है आप तो इनकम टैक्स तो उस पर दे दो, ये लॉ मेकर्स का बेसिक इंटेंशन है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने क्या किया कि सारे सिनेरियोस पुट अप करने की कोशिश की। आपने मकान साल के 365 दिन में से 0 to 365 डेज किसी भी रेंज में किराए पे दिया हो सकता है, या तो आपने मकान साल भर किराए पे दिया पूरे 365 दिन, या फिर आपने साल के कुछ दिन मकान किराए पे दिया 100 दिन 50 दिन 2 महीने 4 महीने, या फिर आपने एक भी दिन मकान किराए पर नहीं दिया। तो एक रेंज मैंने बना दी कि आपने क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। तो सिचुएशन नंबर वन, आपने साल के 365 दिन अगर मकान किराए पर दिया, सिचुएशन नंबर वन अगर आपने साल के 365 दिन मकान किराए पर दिया तो आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो रहेगा एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट भी 12 महीने का रहेगा क्योंकि साल भर आपने किराए पर दिया है, रीजनेबल रेंट भी 12 महीने का रहेगा क्योंकि साल भर आपने मकान किराए पर दिया है, तो विच एवर इज हायर विल बी योर जीएबी। फिर उसके बाद आता है आपने साल के कुछ दिन मकान किराए पर दिया, दैट इज सिनेरियो टू, कुछ दिन से 6 महीने 8 महीने किराए पर दिया और कुछ दिन वो मकान वेकेंट है, खाली पड़ा है। ठीक है, खाली पड़ा है से मेरा मतलब है मकान किराए पर देना चाहते थे पर हमें एक सूटेबल किराएदार नहीं मिला, द प्रॉपर्टी इज वेकेंट। ऐसी परिस्थिति में एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट विच एवर इज हायर करेंगे, एक्चुअल रेंट भी साल भर का लेंगे, रीजनेबल रेंट भी साल भर का लेंगे क्योंकि द प्रॉपर्टी वॉज अवेलेबल फॉर लेट आउट, इसलिए एक्चुअल रेंट साल भर का लेंगे। तो एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट विच एवर इज हायर करेंगे। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो है स्टेप फोर, वेकेंसी अलावेंस, जो अपने को अभी बात करनी है। तो हम एक वेकेंसी अलावेंस यहां पर देंगे, अदरवाइज आप एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट साल भर का लेके वैल्यू निकाल लोगे। तीसरा सिनेरियो आता है अगर प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर है एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर है, तो साल के से 8 महीने आपने उसको लेट आउट कर दिया, 4 महीने वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप किराए पर देना नहीं चाहते थे, यू हैड नो इंटेंशन टू लेट इट आउट, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो आपका ऐसी परिस्थिति में एक्चुअल रेंट जो लेंगे वो उतने ही समय का लेंगे जितने समय वो अवेलेबल फॉर लेट आउट है। तो मेरा एग्जांपल 8 महीने किराए पर दिया, 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एक्चुअल रेंट 8 महीने का लेंगे, रीजनेबल साल भर का, रीजनेबल रेंट साल भर का लेंगे, एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक्चुअल रेंट तो 8 महीने का ही ले रहे हैं और रीजनेबल रेंट साल भर का ले रहे हैं और विच एवर इज हायर कर रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल्स एंड टेकिंग द वैल्यू। पर लॉ का यही प्रिंसिपल है कि अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम रीजनेबल रेंट साल भर का लेंगे पर एक्चुअल रेंट 8 महीने का ही लेंगे हमारे एग्जांपल में, और जो भी ज्यादा फिगर है उस पर टैक्स देंगे। तो इनफैक्ट हमको साल भर की लेटेबल वैल्यू पर टैक्स देने की
बात आ जाएगी अगर ऑफकोर्स रीजनेबल रेंट ज्यादा है तो। अब और आगे चलते हैं सिनेरियो फोर। सिनेरियो फोर, अगर प्रॉपर्टी साल भर वेकेंट है, किराए पर देना चाहते हैं पर सूटेबल किराएदार नहीं मिला, साल भर वेकेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो ली जाएगी वो निल रहेगी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वैकेंसी अलाउंस मिल जाएगा। अगर आप उसको लॉजिकली सोचो तो साल भर वेकेंट थी तो वैकेंसी अलाउंस साल भर का हो गया, नेट इफेक्ट ये है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी। और फिफ्थ एंड द लास्ट सिचुएशन इज प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर है। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर है तो ऐसी परिस्थिति में दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की एनएवी निल ली जाएगी। अगर प्रॉपर्टी साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एट द चॉइस ऑफ द असेसी, असेसी सिलेक्ट कर ले कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की नेट एनुअल वैल्यू जो है वो निल ली जाएगी, ठीक है। तो मैं जैसे मेरा एग्जाम्पल लूँ तो मैं दो मकान तक होल्ड कर सकता हूँ, और दो मकान एक रहने के लिए मैंने ले लिया, एक और ले लिया चलो कि कभी रहेंगे फ्यूचर में, तो दो मकान तक की नेट एनुअल वैल्यू मेरे केस में निल ली जाएगी, तीसरे मकान से ही मेरे को उस पर टैक्स लगेगा। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ कि वो साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर मकान लेके किराए पे चला दिया तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा हूँ मैं, ठीक है। कई लोगों को ऐसा एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि साहब मैंने तो एक मकान में रहता हूँ, एक किराए पे चला दिया, दो की तो निल लेंगे ना वैल्यू, ऐसा थोड़ी है। एक मकान अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा लेट आउट है, तो लेट आउट की कैटेगरी में आएगा। ये सिचुएशन कब आती है, जब आपके दोनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो भी फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी एनएवी निल ली जाएगी, दो की निल ली जाएगी, और तीसरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, मतलब मान लो आपके पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो तीसरी प्रॉपर्टी से क्या होगा, आपको रीजनेबल रेंट पर टैक्स देना पड़ेगा। मान लो किसी के पास तीन मकान है तो उसको दो मकान की तो एसओपी की वैल्यू निल हो गई, तीसरा एसओपी जो है उसका, उस पर उसको रीजनेबल रेंट की वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारे सिनेरियोज हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिनेरियो एक ये है कि अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट है तो वेकेंसी अलाउंस मिलता है। अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट है तो हमने जैसा अभी बात की, रीजनेबल रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर करेंगे, रीजनेबल रेंट भी साल भर का लेंगे, एक्चुअल रेंट भी साल भर का लेंगे, विच एवर इज हायर करेंगे, पर वेकेंसी अलाउंस देंगे। तो वैकेंसी अलाउंस कब देंगे, जब प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर या फुल ईयर वेकेंट है। वैकेंसी अलाउंस कितना दिया जाएगा, वैकेंसी अलाउंस निकाला जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स प्रॉपर्टी इज वेकेंट, जितने महीने वेकेंट है, मल्टीप्लाइड बाय मंथली रेंट रेट ऑफ एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट एक महीने का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीने वेकेंट है उतने महीने का वैकेंसी अलाउंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ किताबों में फॉर्मूला का मिसमैच है, कुछ लोगों ने यहाँ पर एक्चुअल रेंट की जगह रीजनेबल रेंट लिया है, उसको मल्टीप्लायर में यूज किया है। हम पॉपुलर व्यू से चल रहे हैं, जो आईसीआई का व्यू है खासतौर पे उससे चल रहे हैं, और उसका प्रिंसिपल लगाते हुए हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मंथ्स द प्रॉपर्टी इज वेकेंट मल्टीप्लाइड बाय मंथली रेट ऑफ एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट के हिसाब से वेकेंसी अलाउंस दे दिया जाएगा, ये करके हमारा जीएवी आ जाएगा। जीएवी के बाद का कैलकुलेशन रिलेटिवली काफी सिंपल है। जीएवी के बाद हम लोग निकालते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज माइनस की जाती है, वो है म्यूनिसिपल टैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द लैंडलॉर्ड। तो हमारा जो लैंडलॉर्ड है, जो असेसी है, जो ओनर है, जिसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लग रहा है, उसने जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया उसका डिडक्शन मिलता है, वो पेमेंट बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। टैक्सेस का डिडक्शन वैसे भी इनकम टैक्स में आपने पता होगा आपको कि हर जगह पेमेंट बेसिस पे ही दिया है उन्होंने, तो यहां भी वही दिया है कि म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द लैंडलॉर्ड। अब म्यूनिसिपल टैक्स को कई नाम से संबोधित किया जा सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक या फिर सीवेज टैक्स, कोई भी नाम से वो दें आप मान लेना वो म्यूनिसिपल टैक्स है। जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है वो सारे टैक्सेस म्यूनिसिपल टैक्स है, प्रॉपर्टी पे जो भी ले रही है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं कई बार उसको, तो कॉर्पोरेशन टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवेज टैक्स, कोई भी नाम आए ध्यान रख लेना। एक्चुअली पेड इस साल में जितना भी पे किया, इनफैक्ट इस साल में एक साल से कम का भी पे किया जा सकता है, ज्यादा का भी पे किया जा सकता है, कुछ भी हो डिडक्शन दे देना जितना एक्चुअली पे किया। और टेनेंट ने जो पे किया वो माइनस मत करना, लैंडलॉर्ड ने जो पे किया है वो माइनस करना। प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो भी म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन देना, ये भी याद रखने की बात है कि अगर इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है तो साहब वो तो फॉरेन में पे किया है म्यूनिसिपल टैक्स, वहां के लॉ के हिसाब से तो भी माइनस करना है अपने को। व्हाटएवर म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड इट इज टू बी डिडक्टेड।
हमको ये पता है कि दो एसओपी के केस में एनएवी नील ली जाती है, एनएवी नील ली जाती है तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू इज आफ्टर म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, तो अब स्टेप फाइव हो गया जहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमने माइनस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स। फिर स्टेप सिक्स आता है, स्टेप सिक्स में हम माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जो भी हमारी नेट एनुअल वैल्यू आई उस नेट एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं उस वैल्यू का 30%। नेट एनुअल वैल्यू का 30% इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% बेसिकली होता है खर्चों के लिए, तो जो भी आपके खर्चे हुए होंगे जैसे डिप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस व्हाटएवर, ठीक है, अलग से इनका कोई डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए उन्होंने क्या कहा कि 30% स्टैंडर्ड बेसिस पर हम डिडक्शन देंगे। आपके खर्चे कम हो या ज्यादा हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 30% ऑफ एनएवी। इसको भूलना नहीं है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, अपने आप से आपको करना है, तो याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 30% ऑफ एनएवी। अब ये करने के बाद फाइनली स्टेप सेवन आती है जहां पे आप इंटरेस्ट का डिडक्शन देते हैं अक्रूअल बेसिस पे। कई बार क्या होता है कि मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर के लिए लोन वगैरह लिया जाता है, ये लोन बैंक से भी लिया जा सकता है, प्राइवेटली भी लिया जा सकता है, उस लोन पे ब्याज का डिडक्शन आपको मिलने की यहां पर बात आती है। अब ब्याज का डिडक्शन आपको मिलेगा, ये बात तो क्लियर हो गई, ब्याज का डिडक्शन कितना मिलेगा ये समझो आप। तो बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि जितना भी ब्याज अक्रू हुआ उतना पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल ये है। यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि ब्याज जितना भी अक्रू हुआ उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ब्याज पे ब्याज का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ब्याज अगर समय से नहीं भरा तो कई बार पेनल इंटरेस्ट लगता है, उस सब का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। लोन कहां से लिया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन अगर आपने दोस्त से लिया है तो भी ब्याज का डिडक्शन मिल जाएगा, बैंक से लिया है तो भी ब्याज का डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि लोन बैंक से ही लेना चाहिए, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन यहां पर नहीं है। फिर पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया है तो नए लोन पर भी ब्याज का डिडक्शन मिल जाएगा, ये बात भी हो जाती है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको पता होगा कि ब्याज का जो डिडक्शन है उससे अगर लॉस आता है तो वो लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ की बात आती है, इट कैन बी सेट ऑफ बट देर इज अ लिमिट ऑफ 2 लाख ओनली। सेट ऑफ का रिवीजन देख लेना आप, या आपको पता ही होगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ विद अदर हेड्स बट देर इज अ लिमिट ऑफ 2 लाख, तो वो भी पॉइंट यहाँ पर एक रिपीट किया गया है। अब ये सब बातें हो गई, इसके बाद फाइनली एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपके जो ब्याज का डिडक्शन है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए भी आपको मिलता है, मतलब कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले, कंस्ट्रक्शन आपने कराया मकान का तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड उस समय के ब्याज का भी डिडक्शन मिलता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के ब्याज का भी डिडक्शन मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होता है एक तो ये समझो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का इनका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके प्रीसीडिंग ईयर की 31 मार्च को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 5 अक्टूबर 19 को, तो हम मान लेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 19 को, मतलब 5 अक्टूबर 19 के प्रीसीडिंग ईयर की 31 मार्च को, 31 मार्च 19 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो आपका जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले का जो इंटरेस्ट है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का आपको अमोर्टाइजेशन मिलता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो जब भी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद 5 साल में आप डिडक्शन ले लेना। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको मिलता है ईयर टू ईयर बेसिस पे, जितना भी इंटरेस्ट है हर साल अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन मिल जाएगा। पर यहां पर इंपॉर्टेंट बात है एसओपी की, एसओपी जिसकी एनएवी नील ली है, दो ऐसी एसओपी हो सकती है जिसकी एनएवी आपने नील ली है, तो उन एसओपी के केस में जिनकी एनएवी आपने नील ली है उन दो एसओपी के केस में इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का 1/5, हर एक साल में तो 1/5 ही मिलेगा ना, तो प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 और करंट ईयर का पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो मान लो आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 1 लाख रुपए था, 1 लाख का 1/5 20,000 और करंट ईयर का मान लो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है 25,000, तो टोटल कितना हो गया 45,000। अब उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरेस्ट है प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 मतलब पूरा इंटरेस्ट का फिगर ऐसा कह लो, प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट
या जो आपको अलाउेबल है, तो जो इंटरेस्ट का फिगर है आपका इस मकान पे, वो डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 30,000 पे। तो आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन एसओपी के केस में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 30,000 पे। वैसे तो इंटरेस्ट का फिगर 30,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पर अगर कुछ चार कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो 30,000 की जगह इंटरेस्ट का फिगर 200,000 तक अलाउ हो जाएगा आपको। ये सारी बातें एसओपी की है। एसओपी के केस में इंटरेस्ट का फिगर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 30,000 पे, पर एसओपी के ही केस में अगर ये चार कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो इंटरेस्ट का फिगर 200,000 तक अलाउ होगा। कौन सी चार कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, द लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, नॉट फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन लेने से 5 साल में मकान कंप्लीट हो गया, और जो इंटरेस्ट है उसका एक सर्टिफिकेट लेंडर ने दिया है कि आपका इंटरेस्ट का फिगर कितना बनता है, वो सर्टिफिकेट लेंडर ने दिया है। ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन 200,000 तक अलाउ होगा। और ये 200,000 दोनों मकान मिला के, दो एसओपी की एनएवी नील है ना, तो दोनों मकान मिलाकर इंटरेस्ट का डिडक्शन 30,000 पे रिस्ट्रिक्ट होगा। और अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो दोनों मकान मिलाकर इंटरेस्ट का डिडक्शन 200,000 तक अलाउ होगा। ऐसा नहीं होगा हर एसओपी पे 2-2 लाख का, दोनों एसओपी मिला के 200,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होगा। आई होप आई एम क्लियर विथ इट, एंड आई बिलीव आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे किए होंगे, हमने क्लास में इस पे क्वेश्चंस किए थे, वो जरूर देखने चाहिए जिन्होंने किया ये चीज, एंड दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज देयर। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और आखिरी बात आती है कि अगर आपने नॉन रेसिडेंट को ब्याज का पेमेंट किया और नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई सेटअप नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपने TDS नहीं काटा या काट के जमा नहीं किया तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अलाउेबल नहीं होगा। तो आपने इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट को पे किया एंड ही डज नॉट हैव एनी सेटअप इन इंडिया, एंड इफ यू आर नॉट डिडक्टेड TDS और नॉट डिपॉजिटेड द TDS, तो आपको खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा अलाउेबल नहीं होगा। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स। और एक आखिरी लास्ट क्लोजिंग पॉइंट इस चैप्टर का आता है कि अनरियलाइज रेंट हमको डिडक्शन के रूप में मिलता है, पर बाद में जाके कभी ना कभी वो रियलाइज होगा, और अरियर्स ऑफ रेंट मिल सकता है, पुराने समय का रेंट बढ़ा हुआ मिल गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया या हमारा नेगोशिएट हुआ, पुराने समय का अरियर हमको मिला, तो अरियर्स ऑफ रेंट अगर हमको मिलता है या अनरियलाइज रेंट मिलता है तो इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिल्ड बेसिस, एंड जब भी वो टैक्सेबल होगा उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एंड लास्टली, इवन इफ वो मकान जिसके लिए हमको ये अरियर्स या अनरियलाइज रेंट का रियलाइजेशन हुआ है, इवन इफ वो मकान बिक चुका है तो भी हमारे हाथ में वो रेंट टैक्सेबल होगा। तो ये छोटी छोटी सी 2-3 बातें हैं जो एक एक्स्ट्रा बात कह सकते हैं हम उस चैप्टर के बारे में, एंड दैट क्लोजेज विद द एंटायर चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आई रिपीट दैट इट इज अ जैकपॉट चैप्टर इन माई अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एग्जाम के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। GAV और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में ही अक्सर लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। डू दी प्रैक्टिस, दिस टू माई अंडरस्टैंडिंग इज अ जैकपॉट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी कमिंग अप विथ मोर रिविजन लेक्चर्स इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।